अस्सलाम वालेकुम। बंदे को रेहान अंसारी कहते हैं। यूं तो हमारे लखनऊ में कहा जाता है, जरा मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं। लेकिन हमारी तकदीर ने हमें मुस्कुराने के मौके बहुत कम ही दिए हैं। अम्मी जान, अम्मी नहीं है हमारी, हाँ लेकिन अब्बा हुजूर है, बिलाल साहब, इस शहर की सबसे बड़ी शख्सियत। लेकिन वो हमारे अब्बा कम और आफताब के वालिद ज्यादा लगते हैं। आफताब हमारा सौतेला भाई, हम अपने अब्बा का कारोबार संभालते हैं और आफताब उनके नाम पर बट्टा लगाने का काम बड़ी बखूबी से करता है। चोरी करना, लड़कियों की छेड़छाड़ करना, नचनिए की तरह थिरक कर अपने कव्वाली गाना, और इन सब के बावजूद अगर अपने परिवार के लिए कोई बख्तर साबित हुआ हो तो हम है वो। वसीम चाचा, अशफाक चाचा, रुबेजा आंटी और हमारी दादी, उन सब के लिए हम और हमारी आपसी फेंक बोझ बन के रह चुके। आज वो हमारे अपने होते हुए भी अपने नहीं है। काश हमारी अम्मी होती। आपको पता है, ईद मनाने के लिए लोग रोजे पूरे करके गले मिलकर अपनी खुशियां मनाते हैं। आज हमारी अम्मी होती तो हमारे लिए कपड़े, सेवैया और ढेर सारी खुशियां लेकर आती। लेकिन अब्बू जान ने ऐसा नहीं किया। आज तक अब्बू जान ने हमें गले नहीं लगाया। दुख इस बात का होता है कि ईदी देना उनके लिए सिर्फ एक मजबूरी है। वो तो शान से कहते हैं कि हम उनके अक्स हैं, लेकिन सारा मोहल्ला जानता है अब्बू जान कि आफताब आपके आंखों का तारा है। बस हम भी उन्हें एक दिन एहसास दिलाएंगे, हम उनकी तरह नहीं बनना चाहते, हम उनके अक्स नहीं है। अल्लाह करे आफताब की सारी हरकतें अब्बू को पता चले। हमें माफ कर दीजिए रहीम चाचा, थोड़ा भावना में बहकर हमने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। आपसे एक दरख्वास्त है, प्लीज आप ये बातें सारी किसी से ना कहिए। खुदा हाफिज़।